नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, उपेन यादव के द्वारा लगभग 10-15 मिनट पहले ये ट्वीट किया गया है। इसके अलावा उनके YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाली गई है, आप देख सकते हैं खुद। रिट भर्ती 2021 के लिए एक और डेट बताई गई है, 26 सितंबर या 3 अक्टूबर। तो दोस्तों, अब बात यही है कि रिट हो चाहे आरटेट हो, एक एग्ज़ाम है वो सितंबर या अक्टूबर में होने के पूरे आसार हैं। तो दोस्तों, आप लगे रहे तैयारी में, मैं तो इतना ही कहूँगा क्योंकि टाइम वापस से बहुत कम बचा है, सिर्फ 3 महीने 3.5 महीने आपके पास हैं, तो उनका फ़ायदा उठाइए और एकदम शानदार तैयारी है वो कीजिए। हो सकता है एक इस बार मतलब रिट 2021 में एक ही एग्ज़ाम हो और उसके बाद शायद 2 एग्ज़ाम हो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत जल्द घोषणा की जाएगी, ये बात भी इन्होंने अपने ट्वीट में बताई है कि घोषणा वो जल्द शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। शायद घोषणा अगले सप्ताह में हो जाएगी। अगले सप्ताह का नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होगा कल शनिवार या फिर रविवार को मीटिंग है वो होने वाली है, उसमें पूरी चीज़ें वो निकल कर एकदम से सामने आ जाएंगी कि क्या होगा। आजीवन वैधता होगी, इसके अलावा 2 परीक्षाएं होंगी या 1 परीक्षा होगी तो उसकी डेट क्या होगी, वो सब बातें आपको अगले वीक में पता लग जाएंगी। और शनिवार और रविवार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर एक एग्ज़ाम होती है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वरना अगर 2 एग्ज़ाम हुई तो पूरा मैंने प्रोसेस आपको बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, 2 एग्ज़ाम होने पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम की ही शॉर्टेज है क्योंकि भर्ती बहुत ज़्यादा लंबी जा चुकी है। तो अगर 2 एग्ज़ाम हुई तो 1 या 2 साल और लग जाएंगे, इसलिए भर्ती लगभग 4 या 5 साल पकड़ लेगी। अगर 1 एग्ज़ाम हुई तो आप सबके लिए अच्छी है क्योंकि आप सब थक चुके हैं तैयारी करते करते, तो मेरे अनुसार तो दोस्तों 1 एग्ज़ाम हो तो वही सबसे अच्छी बात है और बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन 1 एग्ज़ाम डेफिनेटली आपकी सितंबर या अक्टूबर में होने जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों बात ये है कि 26 सितंबर से ही कॉलेज लेक्चरर वाली एग्ज़ाम भी शुरू हो रही है, फिर भी उपेन यादव के द्वारा शायद थोड़ी जानकारी तो होगी, वरना 26 सितंबर या 3 अक्टूबर का नाम ऐसे ही नहीं लेते क्योंकि आप सबको बताया थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो इन्होंने फिर भी 26 सितंबर या 3 अक्टूबर का नाम लिया है, तो देखते हैं कॉलेज लेक्चरर का क्या होता है या फिर दोनों एग्ज़ाम एक साथ होती हैं क्या नहीं होता है, वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा, शायद 1-2 दिन में आपको पता लग जाए। और अगले वीक में तो डेफिनेटली आपके सामने एक डेट आ जाएगी, तो आप उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 1-2 दिन में या तो आप रिलैक्स कीजिए, इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए, वरना आपकी पढ़ाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप पॉजिटिव सोचिए, 1 एग्ज़ाम का सोचिए, 2 एग्ज़ाम में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और पूरा प्रोसेस भी मैंने बताया, पंचायती राज से क्या हो सकता है, आरपीएससी करवाएगी तो क्या होगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला था। तो दोस्तों, एक बार फिर मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।